हमारा ये 5th सेम का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन। इसके पहले आपने एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा है। तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है एनालॉग कम्युनिकेशन, दूसरा होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। अब मैक्सिमम जो दुनिया में इस्तेमाल होता है वो होता है एनालॉग कम्युनिकेशन, वो मैक्सिमम यूज़ होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन के कई फायदे हैं, जैसे कि इसकी स्पीड अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है अपन उसमें स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक तो आप लोगों को आइडिया होगा ही। डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीवर से ट्रांसफ़र से रिसीवर या रिसीवर से ट्रांसफ़र में डिजिटल डाटा, जो कि किस फॉर्म में होता है, ऑब्वियसली डिजिटल है तो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में इसमें हमारा पूरा जो डाटा है वो स्टोर होता है और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। और ट्रांसमीटर से हम उस डाटा को सेंड करते हैं। ट्रांसमीटर से मतलब जहाँ से हम डाटा को भेजना चाहते हैं और जहाँ तक वो डाटा पहुँचता है उस जगह को हम बोलते हैं रिसीवर। वो रिसीव करता है उस डाटा को। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं, हेड बाइट्स वगैरह भी होती हैं, जिसमें क्या होता है बेसिकली कि कई बार क्या होता है बहुत सारा डाटा अगर हम एक साथ भेजते हैं तो उसका उसमें एक कोडिंग हम एक अलग से करके भेजते हैं, जिससे कि उसको लास्ट में सेपरेट किया जा सके, मतलब बाकी जो है डाटा उन सब से अलग किया जा सके, है ना। तो हमारा जो पहला यूनिट है वो है पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम। डिजिटल कम्युनिकेशन में हमारा 5th सेमेस्टर का जो पहला यूनिट है वह है पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है। इन एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम सम पैरामीटर ऑफ साइनसोइडल कैरियर इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इन पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम द कैरियर इज नो लॉन्गर अ कंटिन्यूअस सिग्नल बट कंजिस्ट ऑफ अ पल्स ट्रेन। यानी पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि कैरियर जो होता है, कैरियर यानी कि जो डाटा को अपना लेके जा रहा है, कहाँ से, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लेके जा रहा है, वो एक कंटिन्यूस सिग्नल नहीं होता है बल्कि एक पल्स ट्रेन की तरह होता है। पल्स ट्रेन यानी किस तरीके की, जैसे कि पल्सेस हो, ठीक है। तो वो वेरी होता रहता है, कैसा डाटा हम भेज रहे हैं उसके हिसाब से वो वेरी होता रहता है। अच्छा, दो तरीके के पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम होते हैं। पहला यूनिट हमारा जो है वह है पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम, ठीक है। तो पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। दो टाइप्स होते हैं पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के। पहला होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करेंगे, है ना। यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसमें वेरी होगा। वेरी होगा यानी चेंज होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, एम्पलीट्यूड हमारा वेरी होगा। और कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कि स्थाई क्या रहेगा, टाइम इसका स्थाई रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरी होगा और टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा होता है हमारा पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। अच्छा, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में क्या होगा, टाइम जो होगा वो वेरी होगा और एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पैम की डेफिनेशन जैसे देखिए,
क्या दिया हुआ है इन पैम यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विथ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा एम्पलीट्यूड जो है वह वेरी होगा, वेयर एज इन पीटीएम द टाइमिंग ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन इज वेरीड। यानी कि पीटीएम में, जो कि पीटीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन में पल्सेस की जो टाइमिंग होगी वह वेरी करेगी, है ना। अच्छा, दो तरीके के पीटीएम होते हैं, ठीक है। पीटीएम यानी कि क्या, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, है ना। दो तरीके के पीटीएम होते हैं, पहला क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या जिसको हम पीडब्ल्यूएम भी बोलते हैं, या पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, या उसी को हम बोलते हैं और पल्स लेंथ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहां पर जो तीन टर्म हम अपन यूज कर रहे हैं, जैसे कि विड्थ, ड्यूरेशन और लेंथ, तीनों का मतलब एक ही है, है ना। विड्थ का मतलब हुआ उसकी चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब उसका ड्यूरेशन, यानी कितने समय तक के लिए वो पल्स जो है वेरी करेगी, है ना, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, है ना, बढ़ेगी या घटेगी, है ना, वही उसकी लेंथ भी कहलाती है, वही उसका टाइम ड्यूरेशन भी कहलाता है, और उसी को उसका विड्थ बोलते हैं। अच्छा, दूसरे टाइप का पीटीएम क्या कहलाएगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीपीएम, ठीक है, पीपीएम हुआ। तो यानी बेसिकली अगर आप लेके चले तो पीटीएम जो होता है यानी पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, वो दो टाइप का होता है। पहला क्या, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी पीडब्ल्यूएम, और दूसरा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन यानी कि पीपीएम, ठीक है। अब इसको एलोबरेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो पहला है इन पीडब्ल्यूएम, यानी कि पीटीएम का पहला पीडब्ल्यूएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इन पीडब्ल्यूएम द विड्थ ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विथ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि पीडब्ल्यूएम में हम क्या वेरी कर रहे हैं, विड्थ ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन, यानी कि विड्थ जो है हमारा जो कैरियर पल्स है, है ना, जो कैरियर हमारा जो डाटा लेके जा रहा है ना, उसका हम इसमें क्या वेरी कर रहे हैं, यानी क्या, किस चीज में हम बदलाव कर रहे हैं, विड्थ में बदलाव कर रहे हैं, है ना, उसकी चौड़ाई में हम बदलाव कर रहे हैं, किसके हिसाब से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से, है ना। वेयर एज इन पीपीएम, अच्छा इसमें डिफरेंस है बेसिकली कि पीडब्ल्यूएम और पीपीएम में क्या अंतर होगा, है ना। पीडब्ल्यूएम में हमने क्या वेरी किया, विड्थ वेरी किया। अब पीपीएम में क्या वेरी करेंगे, पीपीएम यानी पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, है ना। तो पीपीएम में क्या किया है, वेयर एज इन पीपीएम द पोजिशन ऑफ द पल्सेस ऑफ द कैरियर पल्स ट्रेन इज वेरीड। यानी कि पीपीएम में हम क्या वेरी करेंगे, पोजिशन, ठीक है, पल्सेस की जो पोजिशन है उसको हम इसमें वेरी करेंगे, ठीक है। पोजिशन ऑफ पल्सेस यानी कि पल्सेस किस जगह पर है, ठीक है, नीचे जा रही है, हायर स्टेट में जा रही है कि लोअर स्टेट में जा रही है, उसको हम इसमें वेरी करेंगे, यानी उसमें हम बदलाव करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें बेसिकली क्या देखा कि एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम में जो पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको कि हम पैम भी बोलते हैं, और दूसरा पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, जिसको हम कि पीटीएम बोलते हैं, यानी कि पैम और पीटीएम, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि पैम में हम क्या वेरी कर रहे थे, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे थे, और पीटीएम में हम क्या वेरी कर रहे थे, टाइमिंग वेरी कर रहे थे। और फिर पीटीएम कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का हुआ। पहला पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी कि पीडब्ल्यूएम,
और दूसरा क्या हुआ, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ठीक है। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या वेरी हो रहा था, पल्स का विड्थ वेरी हो रहा था। और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या वेरी हो रहा था, पल्स का जो पोजीशन है उसको हम वेरी कर रहे थे, ठीक है। तो आज हमने देखा पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम, ये आपके डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का पहला यूनिट है। पांचवे सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन, उसमें जो पहली यूनिट है वह है पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम। आज हमने उसको स्टार्ट किया, ठीक है। और हमने देखा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन और पीटीएम के दो टाइप के टाइप्स, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ठीक है। थैंक यू।